विवेक बिंद्रा को हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का, मल्टी लेवल मार्केटिंग का क्या भविष्य दिखता है? भविष्य बहुत खराब और बहुत अच्छा दोनों। MLM जिंदगी में दूसरा मौका देता है, जो नहीं पढ़ पाया, जो काम नहीं कर पाया, जिसके घर पे पिताजी का बड़ा बिजनेस नहीं था। अगर आपके पास ना तो डिग्री कोई कॉलेज की एजुकेशन थी और ना पिताजी का बड़ा बिजनेस था और आपको खुद ही करना है और आप अकेले पढ़ गए हैं, तो MLM तो शुरुआत कर देनी। करोड़पति की रेंज में पहुंचे, उसमें से 60% लोग ऐसे थे जो MLM बैकग्राउंड से थे। पहली बार आपके माध्यम से अपनी पर्सनल स्टोरी बता रहा हूं, मैंने इतना पर्सनल स्टोरी डिस्कस नहीं करा। प्लीज सर, आपके चैनल पे पहली बार बता रहा हूँ। 4 लाख रुपए मेरे बैग में पड़े हुए और मैं सोचा कि एयरपोर्ट पे खर्च कर दूंगा आज। हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा, एथिकल MLM कंपनी ज्वाइन करिए। और आपने बताया कि जैसे कि आप बताते भी अपने प्लेटफॉर्म पे लोगों को शेयर करते हैं कौन क्या राइट है क्या रॉन्ग है, वो आप और जिम्मेदारी से करिए, क्योंकि आपके जैसे प्लेटफॉर्म्स की आवश्यकता है ताकि लोग समझ सकें, सही ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें बिना बात के गलत चीज़ को एक्सपेक्ट करें। देश को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव देने चाहिए, मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं। मैं एक एक करके बहुत सारे नेताओं और मंत्रियों को भी पकड़ने वाला हूं और उनसे एक प्रश्न करने वाला हूं कि भाई आप ऐसे तो देश नहीं चलेगा। हम लोग ये उम्मीद करें कि सर आने वाले टाइम में डॉक्टर विवेक बिंद्रा पॉलिटिक्स में आएंगे और वहाँ पे नीतियाँ बनाएंगे। कि मैं UP में उनकी तरफ से इलेक्शन लड़ूं और उनके लिए कैंपेनिंग भी। मैं आपको बताता हूँ मैं थोड़ा क्यों स्टेप बैक किया MLM इंडस्ट्री से। पर्सनली आपको पर्सनल फीलिंग शेयर कर रहा हूँ, मतलब असली लीडर वही है जो लीडर ऑफ लीडिंग लीडर, वो लीडर जो कई सारे लीडर्स को लीड कर सके, ऐसे लीडर तैयार करे, तभी आपकी MLM की कम्युनिटी मजबूत होगी और एक्टिवेशन रेट तेज होगा। पिछले दिनों एक घटना ने पूरे हिंदुस्तान को झंझोड़ के रख दिया और वो था सुशांत सिंह राजपूत का अचानक इस दुनिया से चला जाना। सुसाइड जो है वो आंतरिक खोखलेपन को दर्शाता है। इसके रूट कॉज को समझेंगे, फ्रूट तभी ठीक मिलेंगे जब रूट ठीक। कमजोर माइंडसेट, अगर इतनी सी ताकत ले आओ ना आप निकल जाएंगे आगे। इतनी सी कमजोर माइंडसेट के लोग हैं, अंदर क्या जा रहा है वो ध्यान रखना है। ये MLM के लोगों से सीखने को मिलता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के लोग लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं ना, इसीलिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। यू गेट अ सेटबैक, डू नॉट सिट बैक, ओनली स्टेप बैक टू बाउंस बैक। तो मेरे जितने भी सेटबैक्स थे मैं उनके लेके बैठा नहीं, आई स्टेप बैक टू बाउंस बैक। सिंपल रूल है, जब भी कोई सेटबैक आए आप नया रास्ता खोजो, आपको मिलेगा और बाउंस बैक करो। जो तीसरा हकदार है वो पहले नंबर पे होता है पर बताता है हमेशा तीसरे नंबर पे। अपनी तनख्वाह अगर मैं बताऊंगा तो हो सकता है आप चक्कर खा के गिर भी जाए। सर बताइए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा सर, एक नई दिशा मिलती है आपकी हर काम से, हर कार्य से। मैंने पब्लिक में कभी बताया नहीं, लेकिन आज आपने पर्सनल बातें बहुत करा दी हैं। मेरे को लगता है मैं कुछ ज्यादा पर्सनल हो गया हूँ, आपको इतनी सारी पर्सनल स्टोरीज अपनी बताई है, मैंने कहीं नहीं बात करी। जिस दिन इंडिया अंदर से मजबूत हो गया, जिस दिन हमने यहाँ पे लर्नेबिलिटी एजुकेशन पे काम कर दिया, कौन सा दुश्मन दिखता है? कभी आजू बाजू नहीं देखना चाहिए, दुश्मन पे फोकस करने की जगह अपनी ताकत अपनी इतनी बढ़ा देनी चाहिए कि दुश्मन टच थोड़ी करेगा। फिर एज ए CEO ऑफ बड़ा बिजनेस और एज ए मॉन्क, द लाइफ बेटर वो सर्टनली एज अ मॉन्क। जब मैं ब्रह्मचारी था वो सबसे अच्छा जीवन था, जब मैं शेवन हेड था, धोती कुर्ते में रहता था, साधारण जीवन जीता था, मोबाइल लैपटॉप कुछ अखबार था नहीं और भिक्षा मांगने का जीवन था, वो सबसे अच्छा जीवन था। धन्यवाद, आपने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया, इतने लोगों से आपके मिल सका, मैं आपसे मिल सका, आप इतने विनम्र व्यक्ति हैं। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।